आज का टॉपिक है शेड्यूलर। शेड्यूलर्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकंड वन इज़ अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, थर्ड वन इज़ अ मीडियम टर्म और मिड टर्म शेड्यूलर। सो बेसिकली शेड्यूलर का पर्पस क्या है? शेड्यूलर्स का पर्पस ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ने हर एक शेड्यूलर को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि जितनी भी न्यू प्रोसेसेस क्रिएट हो रही है उन न्यू प्रोसेसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? न्यू स्टेट, इट मीन्स न्यू स्टेट से रेडी स्टेट तक जितनी प्रोसेसेस है उनको ले जाना, मतलब उनको पहुंचाना कहां तक? रेडी स्टेट तक। नेक्स्ट वन इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज रनिंग स्टेट में जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, रनिंग स्टेट में मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती हैं, तो उनमें से किसी एक प्रोसेस को पिक करके रनिंग स्टेट तक ले जाना, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट तक ले जाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। मतलब रनिंग टू रेडी स्टेट तक एक पर्टिकुलर कोई प्रोसेस को रेडी से रनिंग तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। थर्ड वन इज अ मिड टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जैसे आप वेटिंग स्टेट में यहाँ पर आ गए, वेटिंग स्टेट और रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट ये मेन मेमोरी का पोर्शन है, मतलब ये सारी स्टेट्स मेन मेमोरी में। सो मेन मेमोरी में जो स्टेट है आपकी वेटिंग, वेटिंग से आप सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड रेडी में जो आप जा रहे हो, ठीक, वेटिंग से एक सस्पेंडेड वेट में जा रहे हो, रेडी से सस्पेंडेड रेडी में जा रहे हो, तो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी तक प्रोसेस को ले जाने का टास्क किसका है? मीडियम टर्म शेड्यूलर का और मिड टर्म शेड्यूलर का। और सेकेंडरी मेमोरी से वापस मेन मेमोरी तक उस प्रोसेस को लाने का टास्क किसका है? मिड टर्म शेड्यूलर का। अब ये जो शेड्यूलर्स हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, बेसिकली इसको जॉब शेड्यूलर बोलते हैं। जॉब शेड्यूलर का मतलब ये है कि न्यू जितने भी जॉब्स क्रिएटेड हुए हैं उनको न्यू स्टेट से रेडी स्टेट तक ले जाना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का पर्पस है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब बेसिकली इसको सीपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू मतलब कि जितनी भी न्यू प्रोसेसेस बनी हैं वो रेडी स्टेट में आ गए, रेडी से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना है, मतलब सीपीयू असाइन करना है मतलब रनिंग स्टेट तक ले जाके जाना है, तो वो किसका काम हो गया? आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। मीडियम टर्म शेड्यूलर को स्वेपर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी तक हम मीडियम टर्म शेड्यूलर के थ्रू ही प्रोसेस को लेकर जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूलर्स। थैंक यू सो मच।